बहुत भयंकर वेदर है भाई, मुझे डर भी लग रहा है कि उधर कहीं बारिश ना हो। अब फिर रास्ते में जाते वक्त फिर बारिश। तेल खत्म हो गया, रुकिए आपका थोड़ा सा है मेरे पास, ले लीजिए। हाँ, अपनी स्कूटी को ना मैं लाइक 12 दिन बाद निकाला, और जब घर से निकाला तो उस वक्त इस टायर में हवा नहीं थी। ये बात थी कि मार्केट हम लोग का आज बंद है, और कहीं पर भी मतलब टायर की दुकान नहीं खुली थी जहाँ मैं अपना इसमें हवा डाल पाऊँ, मतलब अपना नहीं इस टायर में हवा डाल पाऊँ। जैसे जैसे हमने एक जगह से पाइप जुगाड़ की, जो मतलब चाइनीज वाले पाइप होते ना, उससे इस टायर में हवा डाला। एंड अभी लाइक एक आदमी के लिए तो अच्छा है, एंड रास्ते में जब आ रहा था ना तो राइट लेवर होता, इसलिए मैं यहाँ पर रुक के इसको चेक कर रहा हूँ भाई क्या प्रॉब्लम, फिर से हवा तो नहीं निकली, बट चल जाएगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल एंड द अनदर व्लॉग। हम लोगों का मार्केट 15 तारीख और आखिरी दिन को मार्केट बंद रहता है, आज है 22, बट आज भी मार्केट बंद है क्योंकि हमारे यहाँ का ना एक बहुत ही खास आदमी का मौत हो चुका है, जिसके वजह से मार्केट बंद रखा गया है। वे सो नहीं पा रहा था क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, एंड जस्ट लुक एट दिस, अभी वेदर क्या हो चुका है, इतना बारिश। तो मैं अभी जा रहा हूँ नमसाई की तरफ, मतलब महादेवपुर जा रहा हूँ मोनू से मिलने के लिए। एंड उम्मीद नहीं किया था कि मतलब आधे रास्ते में चल के मतलब बारिश होगा, और जब मैं निकला था घर से उस वक्त इतना खास बारिश नहीं होता, बट जैसे ही आगे चलते गए ना तो एक जगह में बहुत ज़ोर से बारिश होने लगा था, वहाँ पर लाइक मैं 2 आवर्स वेट किया सोचे, बट अभी बारिश रुकी हुई है तो मैं इस मौके को बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहता, जल्दी हो सके मैं महादेवपुर पहुँच जाऊँ क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही है, और ये चांस है कि अभी जल्दी से जल्दी पहुँच जाने का, लाइक मुझे 1/2 आवर लगेगा, तो मैं ये समय को बिल्कुल वेस्ट नहीं करता। जस्ट लुक एट दिस वेदर भाई, उस तरफ तो बहुत भयंकर वेदर है भाई, मुझे डर भी लग रहा है कि उधर कहीं बारिश ना हो, एंड मैं इसी तरफ जा रहा हूँ। ओ भाई, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस आपको मिलते हैं डायरेक्ट महादेवपुर, क्योंकि मैं आप अपना समय बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहता। तेल खत्म हो गया, रुकिए आपका थोड़ा सा है मेरे पास, ले लीजिए। हाँ, भैया जी का तेल खत्म, एंड इमरजेंसी के लिए मैं ये तेल रखता हूँ, तो अभी ये भैया का थोड़ा सा काम आएगा, भैया लीजिए थोड़ा सा डाल लीजिए। कहाँ से आ रहे हैं भैया अभी? नमसाई से आ रहे हैं ना, यही होता है, इसीलिए हम इमरजेंसी के लिए सब रखता है। चलिए आराम से जाएगा भैया, नहीं हो जाएगा, ये इमरजेंसी के लिए सब, आराम से जाइए। तो यहाँ पर 1/2 लीटर चला गया मेरा, हाय खुल जाए। स्टार्ट हो गया ना भैया? हाँ चलिए चलिए, थैंक यू भैया। वैसे 2 घंटा तो उधर वेस्ट किया, अब फिर रास्ते में जाते वक्त फिर बारिश, पूरा वाट लग गया। तो अभी बारिश में तो भीग चुका हूँ, अब जाऊँगा तो जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए, बस थोड़ा देर और वेट कर लेता हूँ बारिश छूटने का, हल्का हल्का बारिश होगा फिर यहाँ से फिर जाएंगे, आज तो हार नहीं मानना भाई। पहुँचने के लिए तो घर पर पहुँच गया, और पूरा मेरा कपड़ा जो पैंट और टी शर्ट पूरा भीग चुका है। फिलहाल अभी जो मैं टी शर्ट पहना हूँ ये मोनू का पहना हूँ, एंड मैं यहाँ पर नहाने का प्लान से आया था, क्योंकि हम लोग जब सुबह हम बात किए थे ना उस वक्त उसने कहा था कि नहाने के लिए जाएंगे, तो मैं अपना पैंट लेकर आया था और अंडरवियर लेकर आया था और टी शर्ट नहीं लेकर आया था, मुझे मतलब सोचा कि टी शर्ट तो भीजेगा नहीं, तो इसलिए मैं लेकर नहीं आया था, और जो पैंट वगैरह लेकर था तो मतलब पहन के नहाने के लिए, एंड पूरा भीग गया तो नहाने के लिए भी गया नहीं। एंड अभी वेदर काफ़ी अच्छा हुआ, धूप निकल गया, एंड मेरा स्कूटी को वहाँ पर रख दिया, देख सकते हो कितना ज़्यादा मतलब बारिश होने के बाद ना रास्ता का हालत पूरा ख़राब। बारिश नहीं रुकती ना तो शायद मैं रुक जाता, कल ही जाता, बट अभी वेदर भी काफ़ी अच्छा है, धूप निकलने वाला जैसा हो जाएगा, थोड़ा समय पहले पूरा धूप ही निकला था। यहाँ पर जो कि गमछा बनाया जा रहा है, लोकल गमछा, यहाँ पर बैठकर, एंड मनु यहाँ पर ज़्यादातर लाइव आता है, यहाँ पर अपना फ़ोन रखता है इस जगह में, एंड ज़्यादातर लाइव आता है। एंड आप सभी को पता है कि उसने एक बार दीपक कलाल से फाइट किया था, मतलब लाइव में, तो वो इस जगह में किया था, उसने सब कुछ यहीं पे करता था, उधर में फ़ोन रख कर उसके बाद यहाँ पर वो लाइव में मतलब उसके साथ फाइट कर रहा था। एंड देख सकते हो भाई क्या हालत हो चुका है बारिश के बाद, पूरा पैंट एंड टी शर्ट दोनों पूरा गीला हो गया, तो यहाँ पर अभी थोड़ा सूखने के लिए रख दिया हूँ। मैं टी शर्ट पहना हूँ ये तो मोनू का है, मैं बताया, एंड दिखाता है कि इसका टी शर्ट मतलब मेरे में कितना हो रहा है, थोड़ा सा पकड़िएगा, एंड ये देख सकते हो भाई इतना लंबा यहाँ तक, जरूरत नहीं है मुझे पैंट पहनने का भी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप,
गुड मॉर्निंग गाइस, अनदर डे बट सेम ब्लॉक। तो अभी तक मैंने मोनू को नहीं दिखाया क्योंकि कल मैं जब गया था उसके घर पर ना, तो इतने ज़्यादा लोग थे ना, सभी लोग उसके मतलब चेहरे पर मोबाइल और कैमरा लगा कर रखा था। तो मैं सोचा कि आज उसके साथ वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा तो भाई रेस्ट चाहिए, क्योंकि मैं उसे मिलने के लिए गया था, मतलब ना कि मतलब वीडियो बनाने के लिए, बस मिला उसके साथ और वापस आ गया। एंड एक चीज़ मैं मतलब एक चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं उसके घर पर रुकने वाला था बट नहीं रुका, बहुत ही अच्छा हुआ क्योंकि सुबह पूरा कंटिन्यू बारिश दे रहा था। एंड अगर मैं वहाँ पर रुक जाता ना तो आज सुबह भी नहीं आ पाता, लाइक सुबह 6 बजे से पूरा कंटिन्यू बारिश। कल बहुत ज़्यादा एंजॉय किया एंड कल का दिन भाई कभी नहीं भूल पाऊंगा क्योंकि इतने मुश्किल में भी मतलब बारिश में भी मैं गया था उतनी दूर मोनू से मिलने के लिए। एंड कल का दिन तो अच्छा ही रहा, उसके साथ मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। फिलहाल अभी यहाँ पर एक पेंट लेकर आया, उसका भी हाथ काम करना है, इसको रेडी करना, मतलब आयरन वायरन करके सब कुछ रेडी करना क्योंकि आज का डेट है। एंड गाइस अगर ये आज नहीं दिया ना तो पापा मेरे तो वाट लगा देंगे क्योंकि ये कल से रखा हुआ है। तो फिलहाल आज के ब्लॉग में इतने, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छी लगी होगी। एंड चैनल पर नए तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके जाएगा। एंड जल्द मिलेंगे और एक नए ब्लॉग के साथ। सो बाय एंड टेक केयर।